नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक शिक्षण का खुशियों वाला आदेश है जो कि कल जारी हुआ है, यानी 2 जुलाई को। इस साल ट्रांसफर कब से होंगे या नहीं होंगे, आपको इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए तबादले से संबंधित आदेश है। मध्य प्रदेश के समस्त शिक्षक अध्यापक देखें आदेश को, और जिनको ट्रांसफर जिनका नहीं हुआ है करवाना चाहते तो नीचे कमेंट बॉक्स में ट्रांसफर लिखें, वीडियो को लाइक करें। चलिए पूरी खबर देख लेते हैं और पूरा आदेश का हम अध्ययन कर लेते हैं। यहीं आपको इसी आदेश में ट्रांसफर की खबर मिलेगी कि इस साल ट्रांसफर होंगे या नहीं। चलिए देख लेते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश, ये आदेश है यानी कल 2 जुलाई को जारी किया गया। लिखा है श्रीमती अमिता गेडाम, प्राथमिक शिक्षक, यूनिक आईडी आप देख पा रहे हैं, शासकीय प्राथमिक विद्यालय खमरिया 2। दोस्तों, उनकी जानकारी सार्वजनिक ना हो इसलिए उसको हम ब्लॉक कर देंगे। जिला कटनी द्वारा ऑनलाइन स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें जिला बालाघाट के खैर लॉन्जी विकासखंड की 20 संस्थाओं का विकल्प स्थानांतरण हेतु प्रस्तुत किया है। श्रीमती गेडाम का स्थानांतरण ऑनलाइन प्रक्रिया अंतर्गत नहीं होने से उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक WP 19645/2019 दायर की गई, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 24/9/2019 को निर्णय पारित किया गया, जिसका ऑपरेटिव पैरा निम्नानुसार है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आदेश को पूरा देखें क्योंकि इसी आदेश में आपको खुशखबरी मिलेगी ट्रांसफर से संबंधित, जो कि आयुक्त जयश्री कियावत ने बिंदु में लिखा है। चलिए नीचे के बिंदु देख लेते हैं। उक्त निर्णय के अनुक्रम में संबंधित द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर ग्राम बक्कोड़ी, तहसील खैरान लांजी, जिला बालाघाट या खैर लांजी के निकटतम संकुल अंतर्गत विद्यालयों में स्थानांतरित करने हेतु निवेदन किया है। प्रकरण का परीक्षण किया गया, तथ्यात्मक विवरण निम्नानुसार है। पहला है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्ला भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक ऐप आप देख पा रहे हैं दिनांक 22 जून 2019 के द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति जारी कर शिक्षकों से स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए थे। दूसरा, श्रीमती गेडाम द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत विकल्पों में अंकित संस्थाओं की पदपूर्ति स्थानांतरित नीति की कंडिका 1.5 एवं 1.6 के अनुक्रम में हो जाने के कारण श्रीमती गेडाम का स्थानांतरण संभव नहीं हो सका। तीसरा है, श्रीमती गेडाम द्वारा स्थानांतरण हेतु चाही गई समस्त संस्थाओं विकासखंड खैरलांजी जिला बालाघाट की थी। जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला बालाघाट के विकासखंड खैरलांजी अंतर्गत वर्तमान में किसी भी संस्था में प्राथमिक शिक्षक का पद रिक्त नहीं होने से श्रीमती अमिता गेडाम प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक विद्यालय खमरिया 2 जिला कटनी का स्थानांतरण विकासखंड खैरलांजी जिला बालाघाट की संस्था में किया जाना संभव नहीं है। और चौथा पॉइंट देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, कि आगामी सत्र में श्रीमती गेडाम द्वारा स्थानांतरण आवेदन प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में प्रचलित नीति अनुसार आवेदन पर नियम अनुसार विचार किया जाएगा। एतद् द्वारा उपरोक्त अनुसार अभ्यावेदन का निराकरण किया जाता है। जैसी क्या आयुक्त लोक शिक्षण। तो यहाँ दोस्तों चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं कि आगामी सत्र यानी जो स्टार्ट हो चुका है लॉकडाउन के कारण आपको पता नहीं चला, तो दोस्तों इस सत्र में ट्रांसफर होंगे, ये खुद इस आदेश में लिखा है, आप देख सकते हैं ये विशेष लाइन। और दोस्तों कोशिश करेंगे हम जांच पड़ताल करेंगे और आपको 12 बजे से पहले एक वीडियो डालेंगे जिस पर एक 100% पुख्ता आपके ट्रांसफ़र होंगे या नहीं होंगे। जो आयुक्त मैडम ने बोला था कि ट्रांसफ़र पॉलिसी हमने बना ली है, वो शासन तक भेजी है नहीं भेजी, क्या है, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करके, और आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ट्रांसफ़र लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप देख सकते हैं इस प्रतिलिपि भी दिया है इस आदेश में। दोस्तों, आपका भरोसा विश्वास हम टूटने नहीं देंगे और बिल्कुल पुख्ता खबर ही लेकर हम आएंगे, इसलिए आप बने रहें और अपने विचार लिखें नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।